तो हेलो गाइस, आज तैयारी हमारी पापरा की तरफ हो रही है, क्योंकि आज पापरा में गाइस बेदी का दिन है। तो आज हम वहाँ बेदी बनाने जा रहे हैं। फ्लो आ रखा है गाइस उनका, पापरा का डाबरा, और हम जा रहे हैं गाइस पापरा। और यहाँ पे अपनी स्कूटी पे जाते हुए भानुमती को लेके जाते हैं हम आज पापरा में। सड़क अभी तक ठीक है, आगे से खराब आने वाली है। रोड गाइस काफी बढ़िया रोड है गाइस हमारे यहाँ की। ये देखिए हथियोड़ के साइड गाइस, ये जियो का टावर देख रहे होंगे। ये जियो का टावर है गाइस, वो देखिए। हमारे गांव में फुल सिग्नल आ जाता है गाइस, नेट की कोई दिक्कत नहीं होती, तो कभी कभार ग्लिच हो जाता है। और यहाँ अब यहाँ पे कंडाल गाँव 2 किलोमीटर बच रखा है अभी। ये हमारे, ये देखिए घास लगा है, इतना बढ़िया सीन है गाइस हमारे पहाड़ों का। और यहाँ से जाने से पर कोई इनको देता नहीं है पहाड़ का सीन। ये देखिए, देखिए जियो का टावर है, 2-3 साल हो चुके हैं गाइस इसे यहाँ लगे हुए। अब हमारे गांव में पूरी सुविधा है नेटवर्क की। ये आ गया जियो का टावर, यहाँ से हमारा गांव दिखता है, पर यहाँ से थोड़ी दिख रहा है, आगे से बताएंगे। ये देखिए गाने हो रखी, कोई छोड़ता भी नहीं है गाइस, ढूंढने की काफी डर हो रखी है। यहाँ पे नीचे ग्रास खिलते हैं, वो देखिए गाइस आप सामने देख रहे हैं मतला मेड। ये देखिए मतला गांव काफी खूबसूरत गांव है, भले ही हमारे गांव से थोड़ा छोटा है पर अच्छा है। और देखिए गाइस कंडाल गांव, देखिए गाइस यहां से कंडाल गांव पूरा दिख रहा है। ये देखिए हालांकि ये घना गांव नहीं है, छोटे छोटे पूरे हैं गाइस, पर गांव में इसको कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये गांव पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग में बढ़ चुका है। वहां पे नया मंदिर की उद्घाटन, हम आए थे परसों गुरांस के लिए, एक थाल पे गुरांस ले जाया मेरे घर पर, इधर देखिए बांध के पेड़ गाइस, वहाँ पे देखिए तंबू लग रखे हैं नई सड़क निर्माण के लिए, मेड मल्ला के लिए शॉर्टकट सड़क निर्माण का एक ब्लॉक कंडाल गांव। कंडाल गांव देखिए गाइस 1 किलोमीटर बच रखा है अभी, हालांकि हमें कंडाल गांव से होके नहीं जाना है, पर लेकिन ये देखिए सुंदर दृश्य कंडाल गांव का। ऊपर जूम नहीं करेंगे लेकिन ऐसे ही बताएंगे आपको। ये देखिए इधर से अभी रोड ठीक है, यहाँ देखिए दोबारा से रिकवर बढ़िया है, पर ऊपर की रोड पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इधर से हल्की रोड खराब है, ऊपर की रोड खराब। ओ गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ से रोड यहाँ पे पड़गोवा फटा था गाइस कंडाल गांव में, उसके बादल फटने के कारण बहुत ही अच्छा मंदिर। सो हेलो गाइस, यहाँ पे थोड़ी पापरा में जा रहे हैं गाइस, अभी थोड़ा कॉल आ चुका था, कॉल आ गया था एक बंदे का, चलो चलते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस ड्राइविंग। हेडपंप को पानी, आलू का भेजवानी, हेडपंप को पानी, दुई रोटी गेहूं की तखी में जे खाणी। ये दूसरा टैंकर देखिए गाइस, इसमें कम से कम 50 लीटर से ज्यादा पानी आ सकता है। क्या बोला तूने? इसमें कम से कम 50 लीटर से ज्यादा पानी आ सकता है। नहीं झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहे थे गाइस, थोड़ी कमेंट में 50 से ज्यादा आ जाएगा नहीं। तो
काफी बढ़िया है गाइस, हमने सोचा था बेकार होगी पर ठीक है, भगवान से यही उम्मीद है कि हम उड़े ना, क्योंकि गाइस अगर हम उड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। वैसे भी हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं, उड़ना तो मुझे नहीं लगता कि हम उड़ेंगे, भगवान नाग देवता की कृपा हम पर बनी रहे। यहाँ पे गाइस दारू का ठेका अभी बंद हो चुका है, भले दारू पीने की तलब इस बार हमको लग चुकी है पर ठेका बंद है तो क्या करें गाइस, दारू पीके हुआ है कि थोड़ा स्टेमिना बढ़ जाता है। क्या बोला तूने? ये देखिए यहाँ से नीचे मेड़गांव का दृश्य, गांव का नजारा देखिए गाइस, काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ से हमारे गांव का। नीचे देखिए इतना बड़ा गांव है, इधर अगर किसी का कार्यक्रम हो तो दो भट्टू दो कढ़ाई में भात बनता है, भात दाल। कैसा लगा मेरा मजाक? आज गाइस दूसरों के गांव जा रहे हैं तो कहीं देखो कोई बढ़िया न्याय नहीं मिल जाओ तो गाइस थोड़ा नंबर मांग लेंगे, तुमको भाभी मिल जाएगी तुम्हारी, क्या पता। क्या बोला तूने? ठेकेदार की कार है शायद, मुझे ऐसी लग रहा है, रोलर वगैरह काम लग रखे हैं। इधर गाय गाय माता यहाँ पे, ये देखिए। अरे गाइस गौड़ू आ चुका है बीच बाट में, हट हट हट, ये तो गाइस सांडू है। अभी ये रोड कंप्लीट होने में बहुत समय है पर ठीक है, रोड उस हिसाब से जिस हिसाब से अभी बन रही है अच्छी है रोड, हमने सोचा खराब होगी क्योंकि आई नहीं कभी इस रास्ते से। इधर देखिए चीड़ के पेड़ इतने सारे, कच्चे रास्तों को सड़क पक्की नहीं कहते, कच्चे रास्तों को सड़क पक्की नहीं कहते, कच्चे रास्तों को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते, और समझ लेना कामयाब खुद को अगर दिल को सुकून है, चार ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। तो गाइस यहाँ पे काम लग रखा है, अभी देखिए इधर से ये भाई बहुत मेहनत करके हमारी रोड को पक्का कर रहे हैं, तो गाइस इनके लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। ये यहाँ पे पगार, ये देखिए गाइस पगार चीड़ रहे हैं, और ये मुनोर दे रखी है, ये देखिए रोलर काफी मस्त है गाइस, लोहे का है पूरा, हालांकि थोड़ा बहुत प्लास्टिक का होगा, कहीं से रबड़ होगा कुछ भी होगा, पर अपने को क्या है, अपने को ब्लॉग बनाना है। इधर से सुंदर दृश्य पहाड़ियों का देखिए गाइस, काफी सुंदर दृश्य नजारा, उन पहाड़ों का क्या कहना, यहाँ बारह महीने मौसम जाड़ों का। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बार एक शेर मरा था नीचे को, तो जंगलात वालों ने उसको ले जाया था, उसके दांत निकाले और उसे दफनाया था। इधर अभी भुया सारी है यहाँ से 6 किलोमीटर है गाइस भुया सारी, बट भुया सारी से पहले बहुत गांव बसते हैं, पापरा बगरू कोता मतलब गड़ बेड़ कर बहुत गांव है गाइस, कह नहीं सकते क्यों कितने गांव है, तो इसीलिए हमें पापरा जाना है, गांव ही गांव है गाइस, हर धार के पार आपको अलग ही गांव मिलेगा, अलग बोली भाषा मिलेगी। और गाइस पहाड़ों में क्या होता है, थोड़ा हम कंजूसी कर लेते हैं तो गाइस न्यूट्रल ले लेंगे, हम न्यूट्रल कर देंगे, आपको पता ही है तेल बहुत महंगा है, हालांकि उससे महंगा खाने तेल है, पर गाड़ी चलाने तेल थोड़ा सस्ता है, बट खाने तेल थोड़ा महंगा है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं लाइक गाइस ज्यादा नहीं, 10,000 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, टारगेट 10,000 लाइक का है। कैसा लगा मेरा मजाक? टारगेट 10,000 लाइक का है। रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं अपनी हट की घोट के उस रास्ते में तोड़ आया। तो गाइस माय लोंडा छत से गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। ये देखिए रोड़ी फाड़ रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक, वो भी कोई टाइम था गाइस, इसी रूट पे हम एक बार पैदल आए थे जब हम देवलसारी किले गए थे, यहाँ से बहुत चलना पड़ता है। अब तो गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है, पहले रोते थे पैदल जाने के लिए, अब तो गाड़ी है, 5 मिनट का रास्ता। तो गाइस जमाना खराब हो गया, बहुत ही जमाना खराब चल रहा है, पहले गुठियारों में घोड़े बकरे भैंसे बांधे रहते थे, और अब आधा से ज्यादा गुठियारों में तो गाड़ियां खड़ी रहती है गाइस,
भले चलाने वाला एक हो लेकिन गाड़ी दो तीन जरूर खड़ी रहेगी। ऐसा होता है गाइस आजकल पहाड़ों में। अब पहाड़ों में भी शहर से कम नहीं है, यहाँ तक कि इधर पहाड़ों में बजरी पैसे की भी नहीं होती है। गाइस तो पेवर दूध दही मिल जाता था, अब लोग दुकानों से लाते हैं, उसमें आधा से ज्यादा तो गाइस पाउडर रहता है। 5 किलोमीटर रहा भूया साड़ी और सेहत के लिए काफी हानिकारक है। ये नीचे पापरा गांव पहुंच चुके हैं, यहाँ पे फाइनली पहुंच गए हैं पापरा। ये देखिए आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क कर दे भाई यहाँ पे, ये लगा रहे हैं गाड़ी को पार्क। मैं ऊपर से नीचे उतर गया था पहले ही ब्लॉग बनाने के लिए, लगा दो पार्क। और लगा दिए गाड़ी पार्क। तो गाइस गाड़ी फाइनली पार्क हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं गाइस पापरा गांव में। तो गाइस बाद में मिलते हैं आपको। गाइस यहां पे देखिए वेदी निर्माण स्टार्ट हो चुका है। हलवा मिल चुका है गाइस, प्रसाद का अलग ही मजा है कुछ भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गाइस फाइनली चाय भी मिल चुकी है, काफी बढ़िया चाय हो रही है गाइस। प्यारी समझ गई।